हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के बारे में। इस ट्रीटमेंट को कैसे करते हैं, इस ट्रीटमेंट को कौन से हेयर पर करना चाहिए, इस ट्रीटमेंट के बेनिफिट क्या है, इस ट्रीटमेंट को कलर है, स्मूथनिंग है या फिर स्ट्रेटनिंग हेयर पर भी कर सकते हैं कि नहीं, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इस ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का केमिकल्स नहीं होता है, यह सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को हम स्मूथनिंग हेयर पर भी कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग हेयर पर भी कर सकते हैं और ड्राई वे केमिकल्स हेयर पर भी कर सकते हैं। यह ट्रीटमेंट के बेनिफिट ये है, कई क्लाइंट स्मूथनिंग या फिर स्ट्रेटनिंग कराने के बाद अच्छे से केयर नहीं कर पाती हैं, तो उनके बाल बहुत ही ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। तो ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए 16 ट्रीटमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट करने के बाद आपके हेयर नेचुरल और हेल्दी हो जाते हैं और ड्राई हेयर भी रिपेयर हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस ट्रीटमेंट को कैसे करते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें करना है हेयर वॉश डीप क्लींजिंग शैम्पू से। शैम्पू हमें दो बार यूज करना है जिससे हमारे हेयर से अच्छी तरह ऑयल निकल जाए। शैम्पू हमारे हेयर्स की क्यूटिकल्स को ओपन करने का काम करता है। क्यूटिकल्स हमारे हेयर्स की फर्स्ट लेयर रहती है जिस पर 16 क्रीम्स अपना वर्क करती है। हेयर वॉश करने के बाद आपको सबसे पहले ट्वेल ड्राई करना है, उसके बाद 3 से 4 ड्रॉप ऑयल लगाना है। ऑयल को अच्छी तरह हेयर्स में मल्सीफ्लाई करना है, फिर उसके बाद 100% ब्लो ड्राई। उसके बाद हम लेंगे 25 ग्राम 16, अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम करेंगे हेयर्स की एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में हमें 1.5 इंच स्कैल्प छोड़ना है। स्कैल्प पे हमें बिल्कुल भी क्रीम नहीं लगानी है। एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट होने के बाद हम इसको पूरा रैप कर देंगे। इसको हम यहाँ पे 35 मिनट से 40 मिनट छोड़ेंगे। उसके बाद प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे ब्लो ड्राई। सबसे पहले ब्लो ड्राई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आयनिंग। जब हम ब्लो ड्राई यूज़ करेंगे तो उसको हमें मीडियम हीट पर यूज़ करना है। उसके बाद हम जब आयनर यूज़ करेंगे तो उसको हमें 160 से लेके 200 हीट टेम्परेचर पर यूज़ करना है। इसी तरह पूरा आयनिंग करना है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे रिवाइवर शैम्पू से हेयर वॉश। ये शैम्पू में बिल्कुल भी सल्फेट नहीं होता है, ये सल्फेट फ्री शैम्पू रहता है। इसी शैम्पू को आपको आफ्टर केयर में भी यूज़ करना है, इसी कंडीशनर को यूज़ करना है। अब इसकी लास्टिंग की बात करते हैं। यह ट्रीटमेंट 4 से 6 मंथ हेयर में वर्क करता है, उसके बाद आप इसे दोबारा भी कर सकते हो।